हमें ये एक्सेप्टेबल है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि लोगों की जान जाए, हम नहीं चाहते कि अब और नुकसान हो। जब ये लोग उठेंगे सारे बहुत बड़ी तादाद में इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से और इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे जी, तो फिर लोग बेबस हो जाएंगे। सही, पॉलिटिशियन भी बेबस हो जाएंगे, आर्मी भी, सब। फिर जाके अमन होगी। अमन ये नहीं होगी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है वहाँ, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ का जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएगा तो उसको पहले बताया जाएगा कि आपने इस तरह करना, क्योंकि आप ज़्यादा नरमी दिखाई तो यू बिकम अनपॉपुलर। ठीक, तो वो अनपॉपुलर तो नहीं होने चाहते, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी वही करेगा। ठीक, क्योंकि एक दौर था मुशर्रफ का जब वो कहते इतना करीब थे हम, वो कहते मैं सूट बदलने गया और सारा चेंज हो गया, तो इसका मतलब किसी ने जेन में कुछ डाला है उनके कि ये नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब है कि या पॉपुलर रहो लोगों में और आप जीतते रहो इलेक्शन, या आप अनपॉपुलर हो के आप दोस्ती करा दो। सही, तो अनपॉपुलर कोई नहीं होने चाहता। आपने बात की पॉपुलर होने की सियासतदानों की या अनपॉपुलर होने की, आपका ये नुकता नज़र है कि अगर सियासी क्यादत दोनों तरफ की अनपॉपुलर अपने आप को करके कोई सख्त फैसले उठाए और अच्छे फैसले उठाए तो दोस्ती हो सकती है, मगर नाकदीन जो गैर जानबदार नाकदीन है वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात में जो बेहतरी ना होने की सबसे बड़ी रुकावट शायद सियासतदान नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान आर्मी को उसका जिम्मेदार ज़्यादा ठहराते हैं। हिंदुस्तान आर्मी को भी नहीं ठहराते, चूँकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो तो उनके सियासी इदारों के मतहत है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के तमाम इदारों पर हावी है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी चूँकि उनका कारोबार है जहाद फी सबील अल्लाह, तो वो नहीं चाहती कि ये अमन हो। उन गैर जानबदार या जानबदार नाकदीन के इस तबसरे पर आप क्या कहेंगे? जी, ये पहले भी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इस पर जी। अब इंस्टीट्यूशन को हम ब्लेम करते हैं जी, हम कहते हैं आर्मी को ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर, लेकिन हम सिविल सोसाइटी से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं सारे? मैं कहता हूँ कि 20 लाख लोग उठ के खड़े हो जाएं और एक जगह खड़े हो जाएं और हिले ही ना, वो कह के करो फैसला, तो फिर आर्मी क्या करेगी? अच्छा नुकता। तो हमारे लोग जब उठे बहुत बड़ी तादाद में और कह के फैसला करो अभी इस वक्त, तो क्या करेगा? जब 20-25 लाख 50 लाख लोग खड़े हो जाए फिर क्या करेगा? तो मेरा मतलब है कि हर शख्स अपना इंटरेस्ट देखता है जी, ठीक है, और कोई शख्स चाहता नहीं कि कीचड़ में हाथ डाल दे। तो जब तक कीचड़ में हाथ नहीं डालेंगे ना जी, फिर सफाई तो ये काम भी नहीं होगा। सफाई करने के लिए उस गन में हाथ तो डालना होगा, काम भी नहीं होगा बिल्कुल ठीक। और कोई शख्स अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तो इसलिए किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ पॉइंट करना बिल्कुल बेकार है। सही, हमें हमारा काम करना चाहिए, वो जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर पे कोई इंस्टीट्यूशन खड़ी नहीं हो सकती, जितना मर्जी पावरफुल हो, इंडिपेंडेंट हो या जो भी हो। सही, आपने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में तजिया किया। अब हम आपके काम की तरफ आते हैं। आपका काम जो है, आपकी एक्टिविज्म के अलावा आपका काम भी क्या इस अमन के लिए कोई राहें तलाश कर रहा है या सिर्फ आर्ट की खूबसूरत दुनिया है? असल में बहुत छोटा था उम्र के लिए जी, 5 साल का था जब मैं बड़े बड़े कागज पे बैठ के पाउडर कलर से उंगलियों से डिजाइन बनाता था। डिजाइन बनाते बनाते इमेजिनेशन मेरी बहुत हाईली डेवलप्ड हो गई। आर्टिस्ट मैं ज़रूर बनने चाहता था शुरू से जी, लेकिन मैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट बनने चाहता, मैं बनने चाहता था कि मैं अपने मुल्क को प्रमोट करूँगा। ठीक, मैं मुल्क की हिस्ट्री को पेंट करूँगा, फिलोसफी को पेंट करूँगा, कल्चर को पेंट करूँगा, और कमर्शलिज्म के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं, ना मैं कभी कमर्शियल गैलरी से कोई सपोर्ट लेता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ना मैं कोई आर्ट क्रिटिक से कोई सपोर्ट मांगता हूँ, कुछ नहीं। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन
मेरे जो सब्जेक्ट्स थे मैं चाहता था कि बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट